ਈਵੀ ਉਹ ਜੋ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਰਾਜ਼ੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਜੋ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਖਾਮਦ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਲ ਸਮਝੇ ਕੁੱਲੀ ਖਾਮਦ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਲ ਸਮਝੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਚਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਮਤ ਦਿੰਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਮਤ ਦਿੰਦੀ ਨੀ ਧੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਲਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਨਹਮਦੁ ਵਨਸਤਈਨੁਹੁ ਵਨਸਤਗਫਿਰੁ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
धन्यवाद। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग्फिर लकुम ज़ुनूबकुम وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ اللَّهُمَّ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ہر قسم دیاں حمدہ سناوہ
बड़ाइयां किबरियाइयां बादशाहियां शहनशाहियां यकजाइयां अल्लाह सुबहानहु व तआला दी जाते अकदस दे वास्ते जो कुल कायनात दा खालिक मालिक राजिक दाता मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। मुख्तसर जामे हमदो सना तो बाद रेत दे जर्रात नालों भी ज्यादा पानी दे कतरात नालों भी ज्यादा जहन दे तसव्वुरात नालों भी ज्यादा अनगिनत ला तादाद बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदु साकलैन इमामुल मुजनिफीन इमामुल शाफ़ईन इमामुल मुजाहिदीन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम दी जाते गिरामी दे वास्ते साहिबो साथियो मुअज्जिजो मुअज्जिजात सामईन मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन दा एहसान और शुक्र है कि जिस खालिके कायनात ने सानू दीन दी समझ अता फरमाई और रहबरो रहनुमा आमीना दे दुर्रे यतीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अता फरमाए जिन्ना ने साडियां कदम कदम ते तरबीयतां फरमाईयां ने रहनुमाई फरमाईए लेकिन असी गाफिल हो गए असी कदर ना कीती अपनी मन चली ते जिंदगी बसर करके मसाइल दा मसाइब दा मुश्किलात दा और परेशानियां दा असी खुद सबब बन गए क्योंकि मौसम इस तरह दा है कि शादियां दा ए सीजन है और अगर तुसी कचहरियां दा चक्कर लगाओ पता चले कितने को केस इंदराज ने के बच्चियां कर उजाड़ रहियां ने या बच्चे ने कर संभाल नहीं पा रहे और आज दी मुलाकात दा सबक है कि औरत हो तो ऐसी हो यार एक पल्ले गल बन लो जिन्हां नू अल्लाह ने बेटियां दितियां ने ना उन्हां नू फिकर है कि असी जनाब बेटियां दा जहेज बनाना है उन्हां नू फिकर है असी बच्चियां दे बर्तन और बिस्तरे तैयार करने ने उन्हां नू फिकर के असी बच्ची नू किस तरह विधियां करना है सारियां तैयारियां कर दियो मैं ते कहना कि यार सारियां तैयारियां उन्नी देर तक नाकिस ने ना मुकम्मल ने जब तक तुसी अपनी बेटी नू सीरत सैयदा खतीजतुल कुबरा सीरत अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सीरत उम्महातुल मोमिनीन सीरत सैयदा फातिमतु जहरा दा मुतालिया ना करवाओ ना तोहफे तहाइफ दो ए किताबां अपनी बेटी नू तोहफे दे अंदर दवो फिर उन्हों का बेटा जिस वक्त सारी किताब दा मुतालिया कर लवे मैं बहसीयत बाप तेनू इनाम देंगा कि बेटा तेनू पता चले मेरे पैगंबर ने की असबाक पढ़ाए ने घरां दे अंदर सुकून किस तरह मिलता है यार असी तुसी करिए या ना करिए
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀ ਗੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸੀਰਤ ਸੈਯਦ ਖਤੀਜਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਗੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਤਾਇਜ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ 6 ਮਾਹ ਬਾਅਦ, ਬੇਟੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਹੱਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਮਦ ਦਾ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਮਦ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਬਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਫੁਰਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 74 ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜੇ ਤਦ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅਗਰ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅਗਰ ਔਰਤ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਮਰਦ ਦੇ ਖਾਮਦ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ 3 ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਮਦ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਤੀਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਔਲਾਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਣ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦੀਜੀਏ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕਲਬੇ ਅਤਹਰ ਤੇ ਉਮਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਕੂਲੂਨ ਰੱਬਨਾ ਹਬਲਨਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਿਨਾ ਵਜ਼ੁਰਿਯਾਤਿਨਾ ਕੁਰਰਤ ਆਯੁਨਿਨ ਵਜਅਲਨਾ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨ ਇਮਾਮਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਰੀਆਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨ ਇਮਾਮਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਕੀਨ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬੇਬਰਕਤੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਬਕ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਸ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਦਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋਹਣਿਆ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
तेरे पैगंबर ने गिलियां अलहदा कर लिया, सुकियां अलहदा कर लिया। इन्हां सारिया ताजरा ने आख्या मुहम्मद की करी जाना, ऐदा तेनू काटे पै जाणगे, मुनाफे खत्म हो जाणगे। मेरे पैगंबर ने किसे दी नहीं सुनी, अपने किरदार नू सामने रखिया ना। मेरे पैगंबर ने अपने जमीर दी सुनी है। मेरे पैगंबर शाम तू पहले पहले सारियां खजूरां विक जांदियां ने। तेरी मेरी अम्मा खतीजा तुल कुबरा मुहब्बत नाल कह दियो रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाह ताला अनहा। अपने गुलाम कोलो पुछिया ना, गुलाम ने दसिया अम्मा जी खतीजा नू के अज ते अजीब ही मुआमला वेखिया है। अम्मा जी ने की वेखिया, मेरे पैगंबर दा किरदार वेखिया है और फरमाया पैगामे निकाह भेज दिता है। इत्थे एक होर मसला भी समझ के लै जाया जे, मेरे नबी दा दुनिया ते बाप कोई नहीं, मेरे पैगंबर दी दुनिया ते मां मौजूद नहीं। मेरे पैगंबर दियां किफालतां मेरे नबी दे चचा कर रहे ने। अल्लाह दे नबी तक पैगामे निकाह है, यारां मुरद दा निकाह नहीं है। बड़े बड़े ताजरां दे निकाह दे पैगाम अम्मा जी खतीजा ने ठुकरा दिते ने। मैं सदके जावां, मेरे नबी दा किरदार वेख के पैगामे निकाह आया। अल्लाह दे नबी कह सकते सन ना, मैं पैगाम नू कबूल कर लिया, मैं निकाह वाले पैगाम नू कबूल कर लिया, पर उम्मत तक सबक ते मेरे रब ने पहुंचाना सी ना। मेरे नबी आंदे ने तेरा पैगाम मेरिया सिर अखां ते, उन्नी देर तक निकाह हो नहीं सकदा जब तक मेरा वली मेरा चाचा ही क्यों ना होए। निकाह दे रजिस्टर ते साइन नहीं करेगा। पता चलिया अजकल दी बर्बादी दी बुनियादी वजह ए वे, असी जनाब मन मर्जियां कर जाने आं, वड्डियां नू वड्डे समझदे नहीं, फिर जिंदगियां तबाह तर तबाह हो जांदियां ने। यार जिदू वी वेखना सब तू पहले किरदार वेखना। मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा नू करीब बुलाया, ऐ मेरी ए प्यारी बेटी, मैं अली दे माल नू नहीं वेखिया, मैं अली दियां कारां कोठियां नहीं वेखियां। मेरा अली माड़ा जरूर है, पर ए फातिमा मैं दुनिया विच सब नालों सुचे किरदार वाला वेखे आए। मैं तेरे बहसीयत ते खावंद दा इंतखाब कीता ते किरदार वेख के कीता, पर सैयदा फातिमा ने भी ते अपने बाबे दियां गल्लां सारी जिंदगी अपने पल्ले बन लईयां ने। आओ हुण मैं दसा घर दे अंदर सुकून किवें आएगा, घर दे अंदर इत्मीनान किवें आएगा। जेड़ी औरत साबरा है ना, जेड़ी औरत शाकरा है ना, हालात ते अल्लाह दे इख्तियार दे अंदर ने। तिल कल अय्याम नु दाविलुहा बैन नास, अल्लाह दिन बदल बदल के फेर फेर के ले आंदे ने। अल्लाह अपने बंदे नु उच्चियां लजा के भी आजमा दे ने, अल्लाह अपने बंदे नू नीवियां ले आके भी आजमांदे ने, अल्लाह दौलतां दे के भी आजमांदे ने, अल्लाह दौलतां लै के भी आजमांदे ने, अल्लाह साहिबे औलाद बना के भी आजमांदे ने, अल्लाह बे औलादियां रख के भी आजमांदे ने, अल्लाह मुर्गे ते चरगे खवा के भी आजमांदा है, अल्लाह भुखियां रख के भी आजमांदा है। एते मर्जियां मेरे अल्लाह दियां ने, पर नसीबा वाला जोड़ा नसीबा वाला कपल जेड़ा जड़ा हर हाल दे अंदर अपने रब दा शुक्र अदा कर दे, नाले सबर कर दे ते नाले शुक्र अदा कर दे। पर सब तो बुनियादी चीज कर दी औरत अगर साबरा होए ना, अल्लाह दी कसम में टुटे हौसलियां दे नाल बंदे कई कई साल ही जी जांदे ने। घर दे अंदर फाके आउंदे
ते चेहरियां ते मुस्कुराहटां सज जांदियां ने। आ वेख ना मेरी ते तेरी अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मुताहिरा रजी अल्लाह ताला अनहा। सही उल बुखारी दी रिवायत है अम्मा जी आयशा अपने घर दे अंदर तशरीफ फरमाने एक बीबी आन वाली आई ना ते उन्हें आके 9 या 11 खजूरां दितियां। यार जरा समझे आजे ते अजर नू पहचाने आजे अपने करम दे अंदर जाके इस खुतबे नू सुनाया जे ताके तेरे मेरे घर दे अंदर सुकून मिल जाए ना। अम्मा जी नू भुख ने बड़ा ही सताया कई दिन बीत गए घर दे अंदर चुल्हा ही नहीं चलिया। अम्मा जी नू भुख ने सताया हाथ दे अंदर 11 खजूरां या 9 खजूरां ने पर मेरे नबी दी ऐ प्यारी जोजा अम्मा आयशा दे सहन अंदर ख्याल आया आयशा प्यारी भुख तेनू भी लगी है पर तेरी भुख कादी भुख है ना असल ते तेनू फिकरा ए ने के मेरे पैगंबर भी भुखे ने इंज खजूरां पकड़ियां ते उची जगह ते रख दितियां। मेरे नबी तशरीफ ले आए ना अल्लाह दे नबी दी प्यारी बीवी मेरे पैगंबर दी साबरा बीवी मेरे पैगंबर दी शाकरा बीवी ने इंज करके खजूरां मेरे पैगंबर नू पेश कीतियां। अल्लाह दे नबी नाले गल्लां करदे जा रहे ने नाले मेरे पैगंबर खजूरां खांदे जा रहे ने। यार इंज दा माहौल घर विच बन जाए ना अल्लाह दी कसम नहूस ताई मुक जांदियां ने। मेरे पैगंबर नाले महवे गुफ्तगू ने नाले खजूरां खा रहियां ने खजूरां मेरे पैगंबर खा रहे ने ते चेहरे ते मुस्कुराहट भुखे पेट अम्मा आयशा ते सज गईयां ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जिस वक्त मेरे पैगंबर ने खजूरां खादियां ना अल्लाह दे नबी दे नजरां पईयां ना ते वेखिया आयशा दा चेहरा ही मुरझाया बड़ी कमजोरी दे आसार पे नजर आंदे ने। मेरे पैगंबर ने वेखिया ते पुछिया आयशा मैनू लगदा के टोटल खजूरां ही एक ही सी सारियां खजूरां ते तू मैनू खिला दितियां ने। आयशा प्यारी दा जवाब सुनना अज दे दौर दी औरत किवें इंज दा किरदार बना लेना। अम्मा जी फरमांदियां ने सोनियो खजूरां तुसी खादियां ने मैनू लगदा के पेट मेरा फुल हो गया है। खजूरां तुसी खादियां ने तुहानू खांदियां वेख वेख के मैं खुश हो के अपनी भुख ही मिटा लई है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फिर ओ भी ते आम खामद नहीं सी ना और रहमतुल आलमीन नबी ने जिस वक्त सुनिया ना मेरे पैगंबर भी रो पे अल्लाह दे नबी दियां अखां विचों आंसू भी जारी हो गए। यार किते बार आउटिंग दे यारां नाल जाना ना उत्थे जाके मुर्गे चरगे उड़ाना सोचिया करना घर दे अंदर तेरी बीवी ते बच्चे भी मौजूद ने उन्हां दियां जुम्मेदारियां भी तेरे ते ने। आवेख ना मेरे पैगंबर नू पता चलिया मेरी बीवी नू भुख लगी है मेरे नबी कोलो रह ना सकिया मेरे नबी जारो किता रोन लग पे आंदे ने आयशा हुण घर अंदर कोई चीज मुयसर नहीं हुण तू मैनू दस मैं तेरे वास्ते अपने रब कोलो केड़िया दुआवां करा ना। अम्मा जी ने जिहड़ी गल अगली कीती मेरे पैगंबर दियां अखियां बरस पईयां। अम्मा जी फरमांदे ने अल्लाह दे नबी जी अगर आयशा वास्ते रब कोलों दुआ करनी है ना अल्लाह दी कसम मेरा अकीदा ते ईमान है अगर मेरे पैगंबर हाथ नबूवत वाले उठा के नबूवत वाली जुबान तो रब कोलों मंगदे ना अल्लाह जन्नत दियां खजूरां ही उतार देंदा। पर अम्मा जी फरमांदियां ने सोनियों
दुआ करनी है ना, फिर ऐ दुआ करो अल्लाह आयशा नू साबिरा बना दे, अल्लाह आयशा नू शाकिरा बना दे। मेरे पैगंबर रो पे, आप फरमांदे ने आयशा अगे सबर इतना की तई, अपनिया खजूरा भी मैनू खिला दितिया ने, हुण फिर दुआ विच भी ये कोई मंग नहीं है पई, अल्लाह आयशा नू साबिरा बना दे, अल्लाह आयशा नू शाकिरा बना दे। मेरे पैगंबर दी प्यारी बीवी ने आख्या ना, अल्लाह दे नबी जी असी तुहाडे कोलों ही सुनिया है ना, तुसी फरमाया जेड़ी बीबी साबरा होएगी ना, जेड़ी बीबी शाकरा होएगी, ओ अल्लाह दी जन्नत दे दरवाजे ते मैं मुहम्मद तू पहला ही पहुंच जाएगी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, दरवाजा मेरे पैगंबर ही खुलवानगे, लेकिन मेरे नबी तू पहला पहुंचने वालियां औरतां, लोगो साबरा औरतां जे ऐ शाकरा औरतां जे, जेड़ी सबर ते शुक्र दे नाल अपने खामन दा फिकर करने वाले। हजरत इब्राहिम ते हजरत इस्माइल दा वाकया सुनिया, प्यारे खलीलुर रहमान गे ने ना, पहली बीवी ऐसी है जड़ी बेसबरी सी ना, जड़ी ना शुक्री सी ना, फरमाया जिस वक्त इस्माइल आए ना उनु पैगाम दे दे तेरी दहलीज सही नहीं, अपनी दहलीज बदल ले। जिस वक्त फिर आए ना एक साबरा औरत मिल गई, जेरी शाकरा औरत सी पुछया ना बीबी ये घर दा गुजारा किवें हुंदा है, आंदी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे तराने बयान कर दिए, हर हाल विच रब दा शुक्र अदा कर दिए, कैफियतां घर दियां ओहो ही सन जिहड़ियां पहली औरत नूं मिलियां सन, पर एक ना शुक्री सी एक शुक्र गुजार सी। फरमाया मेरा बेटा आए ना उनू पैगाम दे दई कि इस दहलीज दा बड़ा ख्याल रखना ही। यार फिर अल्लाह ने एजाज भी कैसे दिते ने, अल्लाह ने बेटा भी दिता, फिर बेटियां विचों बेटे दिते, फिर हत्ता के इस साबरा औरत इस शाकरा औरत दी नस्ल विचों अल्लाह ने आखरी नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इंतखाब फरमाया। आओ ना सबर दे सिले की ने, सबर करन वाले कैसे लोग ने, एक दिन ना तेरे मेरे बाग पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल चंद सहाबा आए ना, आके आंदे ने अल्लाह दे नबी जी तुहाडा एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन। अल्लाह दे नबी जी मगरब दी नमाज हुंदी है, अजे इमाम सलाम फेरदा है, ए जल्दी नाल उठ के दौड़ लगा देंदा है, अल्लाह दे नबी जी ना जिक्र करदा है, अल्लाह दे नबी जी ना चंगी महफल विच बेंदा है। मेरे पैगंबर ने फतवे नहीं लगाए, मेरे पैगंबर दे कोई बदगुमानियां ते नहीं ना कीतियां, आपने फरमाया अब्दुल्ला नू शायद कोई मजबूरी होए ना, तुसी इंज करना जिस वक्त गल आए ना नमाज पढ़न ते मेरे नाल मुलाकातां करवाना। मेरे पैगंबर ने प्यारे अब्दुल्ला नू अपने करीब बुला लिया, अब्दुल्ला आ रहा खैर ते है वे ना, कोई का काम ऐसा ही जिदी वजह नल जाना पै जांदा ही। अब्दुल्ला प्यारे नू अल्लाह दे नबी ने पुछया, प्यारे अब्दुल्ला दियां चीखां निकल गईयां ते रोंदियां रोंदियां आंदे ने, अल्लाह दे नबी जी गल दसन वाली नहीं सी पर तुहाडा आर्डर आ गया हुण गल दसनी पैनी है। अल्लाह दे नबी जी घर दियां कैफियतां दिया ने, मेरे कोल इकोई चादर मौजूद है ना, जिस वक्त मैं नमाज पढ़ना जाना इस चादर नू अपने तन नू ढक के लै आना, सोनियो बोरियां दे टाटां विच मेरी बीवी अपने सतर नू छुपा के घर दी नुकरे बह जांदी है। अल्लाह दे नबी जी मगरब तू बाद टाइम थोड़ा हुंदा है, मैं जल्दी नाल जाना वा, मेरे कोई चादर
मेरी बीवी अपने तन नु टक के नमाज पढ़दी है। अल्लाह दे नबी जी जल्दी इस तो जाना वा किते मेरी बीवी दी नमाज ना रह जाए। मेरे पैगंबर ने दा दुख सुनिया, मेरे नबी ने दिया हालत सुनिया, मेरे नबी ने अपने सहाबी दिया कैफियत सुनिया। मेरे पैगंबर रोन लग पे, आप फरमांदे ने यार अब्दुल्ला कदी जिक्र ही नहीं कीता, असी कोई रल के तेरे नाल तावन ही कर देंदे, असी बैतुल माल विच तेरे नाल तावन कर देंदे। जा ओ ऊंठा दी मुहार फड़ लेना अपने घर लै जा, इन्हां ऊंठा नूं चराया कर ते अपनी गुरबत खत्म कर लै। यार वाकया सुनन वाला जे अगले अल्फाज तेरे दिल दे आखरी पर्दे ते चोड़ कर जानगे। प्यारे अब्दुल्ला आंदे ने अल्लाह दे नबी जी हालतां बड़ियां अजीब ने, पर सोनिया मेरा ईमान ते मेरा जमीर इजाजत नहीं देंदा। मैं अल्लाह दियां शिकायतां लगांदा फिरा, मैं अल्लाह दे गिले ते शिकवे करदा फिरा। इंज ऊंठां दियां मुहारां पड़ियां ने ते घर चले गए ने। दरवाजे ते दस्तक दीती ते बीवी ने वेख्या, ए दरवाजे ते है ते मेरा खावन दी ने, पर इहदे हाथ विच ऊंठां दी मुहार ना। आंदी खैर होवे मेरे सिर दे ताज, अज कल दी बीबी नूं पुछिए ना तेरा खावन की कमांदा है। आंदी यार बड़ा ही तेज तराज बंदा है, यार ओहदी जुबान दे क्या कहने, ओहदियां चलाकियां दे क्या कहने। इधरों गल सुनांदा पंजा हजार लै आंदा है, इधरों जांदा है कि 20,000 रुपया लै आंदा है। हाय अल्लाह हक हलाल दियां कमाइयां खाण वाले यारो, फिर उन्हां दे घर अंदरी ते सुकून हुंदा है ना। ओए हराम दियां कमाइयां भावे घर दी चार दीवारी दे अंदर करोड़ां ते अरबां होण, अल्लाह दी कसम ए सुकून नहीं जे आया करदा। ए बीबी ने पुछिया है ऊंट कित्थों लै के आ, उन्हें दसिया कि मैं अल्लाह दे नबी नू दसिया है, मेरे पैगंबर ने ऊंट दिते ने। यार उस बीबी दे जवाब ने ना कलेजे नू छलनी करके रख दिता है। उस बीबी दे जवाब ने ना साढ़े अंदर फिक्र पैदा कर दिती है। आंदी है जा ऊंठ भी लै जा ते तू ही चला जा, ते मैं तेरे निकाह विच रहना ही नहीं चाहती। प्यारे अब्दुल्ला आंदे ने यार किंज दियां गल्लां करनियां, अगर गुरबत सी ते नाल कदम मिला के असी दिन रात गुजारे ने, अज अल्लाह ने गुरबत खत्म कर दिती है, तू छड़ छड़ान वालियां गल्लां क्यों पई करनी है। आंदी है जदू गुरबत सी मामला मेरा ते मेरे अल्लाह दा सी, अल्लाह ने जिस हाल विच रखिया सी ना, मैं रब दा शुक्र भी अदा करनी सी। सबर करके मेरियां नजरां ते जन्नत दियां दौलतां ते सन, अज तू मेरे रब दियां शिकायतां मेरे पैगंबर नूं लगा के आया, मैं तेरे नाल ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती। इसे तरह ऊंठां दियां मुहारां बकड़ियां ने ना मेरे पैगंबर दे कोल आ गए ने। अल्लाह दे नबी जी मेरी बीवी ने इंज इंज दियां गल्लां कीतियां ने, मेरे पैगंबर दे अखां ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇਸ ਸਾਬਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਅਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਨਤੀ ਜੋੜਾ ਵੇਖਣਾ ਜੇ, ਐ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਲਾਨ कर दिता है, अल्लाह ने इन्हां दे नामे जन्नत अता कर दिती है। यार जन्नत जन्नत साबरा औरत वास्ते, जन्नत शाकरा औरत वास्ते, मेरे ते तेरे पाक नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अयूब अलैहि सलातो वसलाम दा वाकया भी ते सुनिया। यार अल्लाह दियां अजमाइशां आ गईयां ने ना जनाब, औलादां नूं अल्लाह ने दितियां, अल्लाह ने माल डंगरां नाल हवेली
गलियां भरियां ने, अल्लाह ने मकान दिते ने, अल्लाह ने शोहरतां दितियां ने, ते शैतान आके आंदा है अल्लाह इन्नियां दौलतां दितियां ही ते अयूब क्यों ना तेरा जिक्र करे। मेरे अल्लाह दियां आजमाइशां भी ते नेक बंदियां ते आंदियां ने। यार जरा तसव्वुर दी दुनिया ते जाके सोचिए ना, अल्लाह दी कसम आजमाइशां कैसियां ने। हनेरी आई, पखर आया, ए मकान दी छत गिर गई, सारी औलाद मेरे रब नूं प्यारी हो गई है। यार फिर तसव्वुर दी दुनिया च सोची, माल डंगर सारे ही चले गए, अल्लाह ने मालो दौलत भी खो ली है, फिर अल्लाह ने सेहत खो के बीमारी भेज दीती है। यार बीमारी भी ते कोई ऐसी वैसी बीमारी ते नहीं सी ना, वो बीमारी ऐसी सी के सारे इलाके वाले लोग कहन लगे ना, ऐ बीबी रहमत, इको बीबी रहमा रह गईया, बीवियां तलाकां लैके चलिया गईया। अल्लाह दी कसम है बदकिस्मत वो बीवी है, जेड़े खामन दे औखे वेले उहदे नाल ना खड़ी होए, वो बद नसीब औरत है, खामन दे औखे वेले होवे ते साथ छड़ जांदी है। अल्लाह दी कसम है उहने रिश्ते नूं जानिया ही नहीं, उहने रिश्ते नूं पहचानिया ही नहीं, बल्कि मैं ते इह कहांगा वो खामद नूं नहीं ठुकरा के गई, बल्कि अल्लाह दी रहमत ते अल्लाह दियां जनतां नूं ठुकरा गई है। आओ ना, ये सारियां बीवियां चलिया गईयां, एक बीवी बीवी रहमा रह गईयां, इन्हां ने खिदमत कीती ते खिदमत दा हक अदा कर दिता। ये सारा वाकया तुसी बेशुमार वारा सुनिया होएगा, पर मेरे रब ने अलल ऐलान कर दिता है, ऐ अय्यूब प्यारे तेनू अपने सो कोड़े याद ने ना, अपनी बीवी नू सो कोड़े मारने ने, ए तेनू याद है पर अपनी बीवी दा सबर याद नहीं, अपनी बीवी दा शुकर याद नहीं, अपनी बीवी दियां वफावां याद नहीं, अपनी बीवी दियां मुहब्बतां याद नहीं। मेरा रब अपने नबी नू दस रहे ने, अपनी बीवी दी सिला रहमी ते वेखना, अपनी बीवी दियां वफावां ते वेखना। अल्लाह ने बीवी दी सबर दी वजह नाल रब्बे अकबर दी कसम है, अल्लाह ने जवानियां भी वापस दे दितियां ने, फिर अल्लाह ने माल ओहो ही नहीं दिता, बल्कि अल्लाह ने माल दुगना अता कर दिता है। ये साबरा औरत दा जिक्र अल्लाह दा कुरान है, पर सोनियो दुआवां करिया करो ना, रब्बाना हबलना मिन अजवाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना। बल्कि मैनू कुरान दी आयत याद आ गई, अल्लाह फरमांदे ने इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा इन्नमा युवफ़स्साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। अल्लाह ने हर अमल दा अजर दसिया है, अल्लाह ने दसिया है कि नमाज पढ़ोगे इतना अजर मिलेगा, सर्दी दे अंदर वुजू करोगे ते अजर मिलेगा, अगर तुसी रोजे रखोगे अल्लाह ने रोजे आंदा अजर नहीं दसिया। दूसरा फरमाया मेरे रब दा कुरान जे मेरी बात नहीं जे, फरमाया जेड़ा बंदा जां जेड़ी बंदी सबर करन वाली ऐ दुनिया ते हर हाल विच सबर करेगी। फरमाया मैं फरिश्तियां नूं आना वा, फरिश्तियो एदे नामे अमाल ते सिर्फ लफ्ज़े सबर लिख दिया जे, ए ना लिखे जे दा सिला की मिलेगा, ए ना लिखे जे दा अजर किन्ना मिलेगा, ए अजर मैं रब ही दवांगा। जेड़ी साबरा औरत ना, जेड़ी शाकरा औरत, मेरे पैगंबर ने फरमाया कल कयामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अरश दा साया
नसीब करनगे। आओ मैं हुन अगला हिस्सा बयान करा। एक औरत साबराएन, एक औरत शाकराएन, एदा मैं बयान कीता, मिसालां दित्तियां ने। हुन औरत दा दूसरा किरदार जिदी वजह नाल खावन दी टेंशन दूर हो जाए, जामद परेशान है ना, ओदियां परेशानियां दा हल नाम बीवी दा जे। आओ मैं दसां, एक मेरे ते तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सिहाबी हजरत अबैदुल्ला बिन तलहा रजी अल्लाहु ताला अन, इंज करके कमाइयां कर करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़दे जोड़दे हजरत अबैदुल्ला ने 400,000 दिरहम जमा कर ले। इंज घर दे अंदर बैठे ने, सामने 400,000 दिरहम पड़े ने ते परेशान ने, परेशानी दे आसार चेहरे ते नजर आ रहे ने। इधरों बीवी आई है ना, बीवी ने वेख्या मेरे सिर दा ताज परेशान ने, आंदे ने हजरत जी खैर ते है वे ना, क्यों परेशान लग दे हो? आंदे ने मैं परेशान सुनुआ के 400,000 दिरम मेरे कोल मौजूद ने ना, इन्ना पैसों दा मैं की करांगा? यार अगर अज दे दौर दी हुंदी ना, आंदी हजरत जी कानू परेशान हो, 1,00,000 रुपया मैनू दिओ ना, मैं शॉपिंग करके आवां। 1,00,000 मेरे भरा नूं बड़ियां लोड़ां ने, उन्हूं दे दिओ। 1,00,000 मेरा बाप बीमार है ते उन्हूं दे दिओ। इंज करिए ना, 1,00,000 दा फर्नीचर ही लै के आइए, इंज दुनिया दियां दौलतां ही जमा कर लीए। पर ओ औरत भी ते कैसी औरत सी ना, आंदी है सिर दे ताज परेशानी वाली गल ही कोई नहीं। हिकमत वाली फरासत वाली औरत, अपने खावन दी टेंशन इंज खत्म करन वाली औरत। बल्कि अज दे दौर अंदर घर दे अंदर खावंद होए ते खावंद परेशान होए ना, ते बीवी घर मौजूद होए, मैं ते कहा करना उस परेशानी दा सबब भी बीवी है, उस टेंशन दा नाम ही बीवी है। पर जेड़ियां ने एक सीरत औरतां ने, जिन्ना ने जन्नत दे अंदर जिंदगी गुजारी है, अगे भी जन्नत अंदर जाना है। यार उन्हां औरतां दा जिक्र पिया करना है। ए बीबी आंदी है, जनाब मेरे सिर दे ताज क्यों परेशान हो? मसला हल हो जांदा है, तरकीब मैं दस देनी हां, ताडी परेशानी दूर हो जाएगी। आंदी है, एक तुहाडा भाई बड़ा ही गरीब है, गरीब नमाना भाई है ना, ऐ 400,000 ओनू दे दियो, ओदी गुरबत मुक जाएगी, साडे ते साडा रब राजी हो जाएगा। ऐ उस दौर दी बीबी दी सोच, अज दे दौर दियां सोचां बदलनियां पैणगियां। आओ इत्थे ही बस नहीं ना, तेरे ते मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल मेहमान आया, मेरे पैगंबर दियां 9 बीवियां मौजूद ने। यार इत्थे मसला भी समझ के लै जाया जे, खुदारा नाराजगियां मेरा मकसद नहीं, दिल आजारी करना मेरा मकसद नहीं। जे अज मैं बीवी दे हकूक दस रहा ना, अज खावन दे हकूक दस रहा वा, मैं इंशाल्लाह एक जुमे दे अंदर अल्लाह तौफीक दे फिर बीवी दे हकूक भी बयान करांगा। ताली दोवां हत्थां नाल वजदी है ना, घर दे अंदर सुकून होवे ते बीवी दा किरदार इंज दा होना चाहिए। मेरे पैगंबर दे कोल मेहमान आया, अल्लाह दे नबी दियां 9 बीवियां ने। मेरे पैगंबर ने पैगाम भेजिया किसी दे घर अंदर कोई खाण पीन नूं चीज मुयसर होए, 9 बीवियां दे घरों कोई चीज नहीं मिली। मेरे पैगंबर दियां बीवियां ने कदी एहतजाज नहीं कीता। अम्मा जी सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा फरमान लगियां, एक एक महीना बीत जांदा, 30-30 दिन बीत जांदे, साडे घर दे अंदर कदी चुल्हा नहीं सी चलिया करदा। इस कैफी
ਖਫੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਿਹਾਬੀ, ਇੰਜ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਵਸੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਐ ਅੱਲਾਹ ਦੀਏ ਬੰਦੀਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਬੀਵੀ ਵੀ ਕੈਸੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹਲਾਉਂ ਅਸਹਲਮ ਮਰਹਾਬਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਰੱਬੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਤੀਜਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸ਼ੇਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੈਦ ਕੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਤੀਜਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਿਭਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਐ ਖਤੀਜਾ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਮਾਲਦਾਰ ਔਰਤ ਨਾ, ਐ ਖਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਖੈਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਤੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੌਲਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਤੀਜਾ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੋ ਨਾ ਮੰਦਰ ਪਲੀ, ਖਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐ ਜੇਲ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੁਫਸਰੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਔਲਾਦ ਭੁੱਖੀ ਹੋਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਛਲਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਖਤੀਜਾ ਤੇਰੀ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ, ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੀਵੀ ਅਕਲਮੰਦ ਬੀਵੀ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਿਮਾਨ ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਹੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ੇ ਫਜਰ ਵਾਸਤੇ, ਨਬੀ ਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਾਬੀ ਆਉਂਦਾ ਸੋਨੇ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਜਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਸ ਅਮਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਵੀ ਮੁਸਕੁਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ते जिस वेले तेरी बीवी तरकीबां बना रही सी ना, उस वेले अरशां वाला रब उते कुरान बना रहा सी। मेरे रब ने कुरान नाज़िल फरमाया, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युका शुहा नफ्सिहि फऊलाइका हुमुल मुफ्लिहून। बीवी हो तो ऐसी बीवी हो जड़ी साबरा भी होए, जड़ी शाकरा भी होए, अपने खावन दी टेंशन नू दूर करन वाली भी होए। एक दिन ना मेरे पैगंबर आखरी बाता मेरे पैगंबर ना मक्के दुबार एक बस्ती तू गुजर होया, मेरे नबी ने वेख्या उत्थे एक काफला आया है, एक कबीला ठहरिया है। मेरे पैगंबर दियां नजरां पईयां ना, अल्लाह दे नबी ने वेख्या इन्हां दियां कैफियतां बड़ियां अजीब ने। ऐदा जिवें कई दिनां दे भुखे, इन्हां दे जिस्म हड्डियां दे ढांचे बने हुए, इन्हां दे जिस्म ते गोशत नजर ही नहीं आ रहा। मेरे पैगंबर ने इन्हां दे सरबराह नूं बुलाया, ओ खैर ते है वे ना, तुहाडियां कैफियतां बड़ियां अजीब ने। इन्हां ने आख्या, जी जी असीं कई अरसे तों खाना नहीं खादा, कदी पानी पी के पत्ते खा के गुजारा कर लेने आ। यार मेरे पैगंबर ने इन्हां दियां कैफियतां वेखियां ना, वा मा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन। मेरे पैगंबर ते रो पे ना, मेरे पैगंबर दी दिल दी जड़ी धड़कन तेज हो जांदी है, मेरे पैगंबर दा चेहरा मुरझा जांदा है। अल्लाह दे नबी घर इसे तरह तशरीफ ले आए, जिस वक्त घर आए ना, तेरी मेरी अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, अम्मा जी खतीजा दियां नजरां पईयां। अम्मा जी खतीजा ने अपने सिर दे ताज अपने खावन दे चेहरे तो पढ़ लिया, कैफियतां की ने। फरमान लगियां ओ तड़प जांदियां ने, अल्लाह वालिए तेरा सिर दा ताज, खावन परेशान होए ते तड़प जाया करना। इत्थे तड़प जाना अम्मा खतीजा दी सीरत। अम्मा जी फरमान लगियां, सोनियो खैर ते है वे ना, तुसी क्यों परेशान हो? मेरे पैगंबर ने फरमाया, खतीजा उन्हां कबीले वालियां दियां कैफियतां मेरे कोल बर्दाश्त नहीं होईयां, उन्हां दियां हालतां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकिया। अम्मा जी खतीजा दियां ने सोनियो, उन्हां दियां कैफियतां तुसी बर्दाश्त नहीं कर सके, ते तुहाडियां कैफियतां मैं खतीजा किवें बर्दाश्त करां? सुनियो, अगर ए मसला जे ना, अगर एदे नाल तुहाडी कैफियत बदल दिए, ते जाओ उन्हां नूं बुला के लै आओ। हजरत जी तवज्जो करना, तवज्जो करना, परदे दे अंदर बैठ के सुनन वाली मेरी बहना तवज्जो करना। घर दे अंदर सुकून आंदा है, अपनियां चीज़ां ते खावन दियां चीज़ां अंदर कोई फर्क नहीं रखीदा। ए नहीं लड़ाई पाई दी के मेरे बाप ने दिती है, ए लड़ाइयां नहीं पाई दियां मेरी मां ने दितियां ने। अम्मा जी ने फरमाया, जाओ लेके आओ। मुफस्सरीन ने लिखा है ना, मेरे पैगंबर ने इन्हां काफले वालियां नूं बुलाया ते लैन बना ली। आउंदियां आउंदियां अम्मा खतीजा ने दौलत दे ढेर ही ला दिते ने, और इतना उच्चा ढेर के दूजे पासों मेरे पैगंबर नजर ही नहीं आ रहे। मेरे पैगंबर मुस्कुराई जांदे ने, नाले दौलत फड़ के गरीबा अंदर दे जा रहे ने। मेरे पैगंबर मुस्कुराने ने दौलत तकसीम कर दिया, अम्मा खतीजा मुस्कुरा पईया मेरे पैगंबर नु मुस्कुरांदिया वेख के। ते यार मेरा यकीन, अरश वाला रब मुस्कुरांदा होएगा ना अम्मा खतीजा दी इस अदा नु वेख के। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फिर इंज ते
किन्ने मुकाम नहीं ना मिले। एक दिन मेरे पैगंबर गारे हिरा दे अंदर ने, मेरी अम्मा खतीजा मेरे पैगंबर वास्ते खान पीन दा समान ले करके आईया। बीबी ये भी गल समझ लेना, जेड़ी औरत अपने हत्था नाल खाना पका के देंदी है ना, ओदा शान की है, ओदा मुकाम की है। अज तू आई होएगी कोई 80 मरबे दे घर विच, कोई मरबियां दी मालकन होएगी, पर मेरे अम्मा खतीजा नालों ज्यादा दौलतमंद ते नहीं ना हो सकदी। अम्मा जी खतीजा अपने हत्था नाल की मंजर होएगा, ऐ खतीजा जिदे खैमियां दियां रस्सियां सोने दे किलियां नाल बनिया जान। इतनी ताजरा खतीजा, इतनी दौलतमंद खतीजा, जिदे कम काज ओदियां मुलाजमां कर दियां होन, जिदे हुक्म चल दे होन। अज उन्हें लकड़ा कठियां कीतियां होनगियां, अग चला के मेरे पैगंबर वास्ते खाने तैयार किते होंगे। इंज करके खाना लै करके जिस वक्त गारे हिरा ते चढ़िया ना, मेरे पैगंबर दे कोल प्यारे जिबरील आ गए ने, आंदे ने मेरे महबूब नबी जी, ओ सामने ओ तुहाडी खतीजा, तुहाडी ज़ौजा मोहतरमा आ रही ने ना। जिस वक्त तुहाडे कोल आं, जिस वक्त तुहाडे करीब हो ना, इन्हां नूं अरश वाले रब दा सलाम आके आ जाए। अल्लाह ने अरशा तू सलाम भेजे है, क्यों? खामत दे नाल वफा दी इंतहा कीती है। सोणियो आओ अपने घरां दे अंदर सुकून चाहते हो, फिर एक गल समझ लो, जिथे बीवी नू 5-5 हज़ार दे सूट लिया के देंदे हो ना, उत्थे किते सीरत सय्यदा खतीजतुल कुबरा भी लिया के दवो, उत्थे तोहफे दिया करो। सीरत अजवाज मुतहरात, एदा इंशाल्लाह दुनिया दे अंदर भी सुकून मिलेगा, तुहानू आखरत दे अंदर भी सुकून मिलेगा। एक घर दा माहौल बनाओ, घर तर्जमे वाला कुरान ले आके रखो और तर्जमा पढ़ाओ अपनियां बीवियां नूं, अपने घर दे अंदर बेटियां नूं, ताके आन वालियां नस्लां दे अंदर अल्लाह बरकतां पा दे और अपनी जिंदगी नूं सुकून अंदर लैके आओ। अगर जिंदगियां चों सुकून चाहुंदे हो, इस्लाम दे नाल जुड़ जाओ, अपनियां फैमिलियां दा ताल्लुक इस्लाम दे नाल जोड़ दो। अज दे मज़मून दे हवाले दे नाल चंद अशआर बयान करके अपनी बात नु खत्म करांगा। बीवी ओ जो खामद नु रखे राजी, बीवी ओ जो खामद नु रखे राजी, ते मन्ने उस दे सब इशारियां नु, ते कुली खामद दी नु ओ महल समझे, कुली खामद दी नु ओ महल समझे, ना वेखे किसे दे उच्चे चबारिया नू, ते मां धी नू घरों तोरन लग्या ए मत दिंदी। चंगियां मावां मां धी नू घरों तुरन लग्या ए मत दिंदी, नी धीए इक गल दा खास ख्याल रखी, पावे लड़ाई तेरी सारे जग दे नाल होवे, पर सुला अपने खामद दे नाल रखी, ते जिथे तेरा खामद अपने पैर रखे, नी धीए उस जगह ते अपने सिर दे वाल रखी। अल्लाह दे कोल दुआ है कि जो सुनिया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसारिया।